आज मौसम माशाल्लाह खुशगवार है। इन केस अगर बारिश हो भी जाती है, दो गार हमने देखे हो कि वहाँ हम पता ले सकते हैं। करीम भाई या मैरिनेट करें इनको। पहुंचे हैं कलीमला के घर पे। बारिश आने वाली है, ये लोग सोच रहे हैं कि हम दरख्तों के नीचे जाते हैं। असल में वो जो हट दिखाई दे रहा है वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे भी बारिश भी आने वाली है। जी हाँ, अच्छा नेटिव है, उन्होंने बताया कि ये जगह सही है। इस जगह में थोड़ा सा मसला है या फिर बारिश वारिश हुई तो फिर आप लोगों की चीज़ें वगैरह खराब। अभी उस दरख्त के नीचे जा रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि गार भी है ना। कलीम भाई जी, ये मैरिनेट करें इनको। अभी दही डाल दिए, मसाला डाल दिए इसमें। अच्छा अच्छा, और अभी अदरक, अभी इसको थोड़ा रखेंगे हम लोग, ताकि मसाले इसमें भेज बो दें सही तरीके से। सही, सीख में डाल के इंशाल्लाह कबाब बनाएंगे। समी भाई क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं? बिल्कुल जी, यार लोग आए हुए हैं माशाल्लाह से। कलीम भाई, ये बारिश और ये हवाएं आपको डिस्टर्ब नहीं करें? नहीं, ये तो एक एंजॉयमेंट है ना, जो मतलब फार होने के लिए निकलते हैं। पिकनिक का मतलब ये कि फार होना है। जी हाँ, उसको भी एंजॉय करते हैं लोग। जगह ढूंढने आया है कि बारिश के बिल्कुल आसार ज्यादा होते जा रहे हैं। यार अगर यहाँ सिलेंडर हम यहाँ रखते, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा लोकेशन व्यू करेंगे, देखेंगे। यार मेरे ख्याल में वहाँ से चलना है करीम, अलीम भाई वहाँ से रास्ता है। यहाँ पर मुश्किल है, ये बलवान सताए पिछले नया।
काफ़ी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से हम वापस होंगे क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई है। हाँ अभी चाय तैयार हो गई है, कलीम साहब बुला रहे हैं, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे सही सलामत पहुँचे। ये बहुत मजबूत है और ऐसे इलाके के लिए बेहतरीन है, ये गाड़ियों के टायर से बना है, नए टायर से। स्लीपर हो या नॉर्मल बूट हो, जॉगर हो, उन पे आप नहीं आ सकते क्योंकि उनके फटने का खतरा है। यहाँ पे नोक के लिए पत्थर होते हैं, उनके लिए पत्थर भी हो सकते हैं, फिसलने का भी बहुत खतरा होता है। अब देखें बिल्कुल बाकी बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैंने अपना सामान बस मामा स्कीम मिला है सही। ये भाई अच्छा दूध है चाय के लिए, सही है, पाल्ट है ना, पाल्ट है अच्छा, शुड़म्बे बोलते हैं उनको। हाँ और ये अपने रोटी लाया, रोटी नान है, रोटी बस बोल रहे हैं, ठंडा होगा चपाती है। मौला भाई ने हमारे लिए जो है आप कह सकते खाना रोटी लाया, दूध और लस्सी लाया। जी सर खुशिया, ये मौला भाई ने काफ़ी हमारी हेल्प की है, थोड़ा पीछे करते हैं क्योंकि बारिश के कतरे हमें लगा रहे हैं। बिल्कुल का बन रहा है, कलीम भाई का टीम ऊपर है, आज का पिकनिक गारों में। अच्छा और यहाँ कलीम साहब और इलिया साहब आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी इलिया साहब, ये कैसे आपने माशाल्लाह आग का बंदोबस्त किया? अच्छा ये अब तक का सबसे हम तो बेहतरीन पिकनिक है मेरे ख्याल से, पहले कभी इस तरह का एडवेंचर आप लोगों को कभी नहीं मिला होगा मेरे ख्याल। तीसरे गार में आ गए हैं, यहाँ पे माशाल्लाह काफी बड़ा एरिया है और देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने बिस्तर वगैरह यहाँ लगा दिए।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं। हम लोगों ने खाना और रखा कि अभी यहाँ उस पहाड़ी से भी नीचे आया है। हमारे साथ जी हाँ कलीम भाई हैं, समी भाई हैं, ये दोस्त सारे है। जी हाँ धूप निकलने वाली है और तकरीबन 1 घंटे तक बारिश चली थी कलीम भाई, 2 घंटे हाँ। अभी समी भाई मेरे घर में चाय बना रहे हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग वापस हो गए हैं। वो दूसरी गाड़ी मेरे दोस्तों की अभी आने वाली है।